शामली के थाना भवन ब्लॉक में कोई सार्वजनिक शौचालय न होने के कारण कार्यालय में आने वाली सैकड़ों महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री काफी परेशान है। कार्यकर्त्रियों ने पीने के पानी और शौचालय की सुविधाओं के न होने के आरोप लगाए हैं, तो वहीं ब्लॉक में ब्लॉक अधिकारी अपने कार्यालय में खुलेआम टेबल पर तंबाकू खाकर योगी सरकार के आदेशों को ठेंगा दिखा रहे हैं। दरअसल ये मामला जनपद शामली के थाना भवन ब्लॉक का है, जहां पर बाल विकास परियोजना का कार्यालय भी मौजूद है। अक्सर बाल विकास परियोजना के कार्यालय में आंगनवाड़ी की बैठक के लिए आती है महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री मूलभूत सुविधाओं से खासा परेशान है। महिला आंगनवाड़ी ने आरोप लगाया कि पूरे ब्लॉक में कोई भी सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध नहीं है, एक या दो अगर कोई शौचालय उपलब्ध भी है तो वह प्राइवेट कमरों में है, इसके चलते आए दिन उन्हें भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। मैडम क्या नाम है? मेरा नाम गीता चौधरी है। अच्छा, यहाँ आए हो, क्या यहाँ शौचालय कोई व्यवस्था नहीं? सर यहाँ शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं, पानी की भी व्यवस्था नहीं। हालांकि सबसे बड़ी दिक्कत है बैठने की, कोई उत्तर में बैठा है, कोई पूर्व में, कोई पश्चिम में, कोई कहाँ खड़ा है, कोई कहाँ खड़ा है। आने जाने वाले 100 आते हैं, देखते हैं भाई क्या कर रही है लेडीज खड़ी होके यहाँ। अच्छा, कितनी कार्यकर्त्री अगर यहाँ होंगे? सर 213। तो ये 200 इतनी बड़ी संख्या? 213 में से कुछ आधी आधी आती हैं सर, पूरी आ जाए तो शायद थाना भवन ब्लॉक ही नहीं मिल पाएगा। अच्छा, जिस तरह से मतलब लगभग 213 इतनी बड़ी संख्या में आती हैं, तो क्या व्यवस्था रहती है सर? कुछ पेड़ों के नीचे, कुछ कहाँ खड़ी, कुछ कहाँ खड़ी, फिर कुछ तो चली जाती हैं वापस उल्टी। देखिए, ज्यादा समस्या वाली बात सामने आ रही है कि यहाँ शौचालय भी हो। सबसे ज्यादा सर शौचालय की है और पानी की। जी कैसे व्यवस्था करते हैं? बस सर अपना टाइम निकाल के कुछ जल्दी करके चले जाते हैं, कुछ जिसको ज्यादा जरूरत होती है तो यहाँ सार्वजनिक हॉस्पिटल है वहाँ चले जाते हैं, वहाँ पे भी कह देते हैं कि भाई यहाँ भीड़ ना करो, चलो चलो। यहाँ से कितनी दूरी पे होगा सर? ये होगा 5 ये ना 10 कदम पास में ही है सर। 10 कदम पड़ता है। जब इस बारे में जानकारी लेने के लिए हमारी टीम ब्लॉक पर मौजूद BDO GK चौधरी के कार्यालय में पहुंची, तो ब्लॉक अधिकारी अपने टेबल पर सामने ही तंबाकू का पैकेट सजाकर बैठे थे और तंबाकू खाते नजर आए। जब उनसे पूरे प्रांगण में महिला शौचालय ना होने की बात पूछी गई, तो उन्होंने जल्द ही व्यवस्था कराने की बात कहते हुए अपना पल्ला झाड़ दिया। बैठक चल रही है और वो बता रहे हैं कि उनके पास शौचालय की व्यवस्था नहीं है और बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। बैठने के लिए तो ऑफिस है उनका, थोड़ा पुराना हो गया, जन्मसन हो गया, तो छत्र पंचायत के प्रमुख से बात करके उसका जीर्णोद्धार कराया जाएगा। अब चूँकि आचार संहिता लग रही थी अतः नया काम किया नहीं जा सकता था। शौचालय उसमें भी बन जाएगा एक, और बाहर में भी यहाँ गेट पे भी सार्वजनिक शौचालय बनवाया जाएगा सभी। क्या पूरे ब्लॉक में सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध नहीं है अभी? नहीं अभी नहीं, इधर है, इस साइड में है, NLM साइड में है, उसका उपयोग लोग करते हैं। अब यहाँ सवाल ये बनता है कि देश और प्रदेश की सरकार आम जनता तक मूलभूत सुविधाओं को पहुँचाने का दावा करती है, लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ और ही है।